अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द ओपन वेसल कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना, पहले ओपन वेसल्स में होता क्या है। सपोज ये हमारे पास कोई वेसल है यहां पर, एंड इट इज ओपन फ्रॉम इट्स टॉप। यहां से बेटा ओपन है और इसमें एयर, सपोज इसमें एयर प्रेजेंट है और एयर के कितने मोल्स यहां पर प्रेजेंट है, N1 मोल्स, एंड सपोज द टेम्परेचर इज T1। हम इसको यहां से हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जो ये एयर मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वेसल से बाहर चले जाएंगे, ये एयर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स अब यहां पर रहेंगे या अंदर जो मोल्स रहेंगे वो कम होंगे जितने पहले थे। तो सपोज हम बोलेंगे कि अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज सिंपली इक्वल टू N2, और अब इसका जो टेम्परेचर है दैट इज सिंपली व्हाट, T2। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन इसके ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। यहां पर भी बिकॉज इट इज एन ओपन वेसल ओपन फ्रॉम इट्स टॉप, यहां पर भी कौन सा प्रेशर होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर भी P कांस्टेंट है, यहां पर भी P कांस्टेंट है, तो दोनों केसेस में हम बोलेंगे P जो हमारे पास होगा दैट विल बी कांस्टेंट, P कांस्टेंट होगा। अब ध्यान देना, क्योंकि सपोज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज V, यहां पर भी जो वॉल्यूम ऑफ द वेसल है दैट इज V, तो V भी दोनों जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम आइडियल गैस इक्वेशन यहां पर भी अप्लाई कर सकते और आइडियल गैस इक्वेशन यहां पर भी अप्लाई कर सकते। अगर हम यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू N1 R T1, पीवी इज इक्वल टू, वी कैन राइट पीवी इज इक्वल टू N1 R T1। और यहां पर भी हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते तो हम क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू N2 R T2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से दोनों जगह से पीवी है। तो हम क्या, सिंपली अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है तो आर एच एस साइड भी इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे N1 R T1 इज इक्वल टू N2 R T2। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज N1 R T1 इज इक्वल टू N2 R T2। आर एंड आर विल गेट कैंसल आउट, यू कैन सिंपली राइट N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। अब ध्यान देना, अब अगर हम देखेंगे N1 इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एंड N2 इज द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं आपको यह बोलूंगा कि कितने मोल्स बाहर चले गए, तो कैन यू सिंपली से नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड, नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड, यानी जो मोल्स बाहर आ गए वो किसके बराबर होंगे, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू N1 - N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स विच एक्सपेल्ड, एंड यू डिनोट दैट विद डेल्टा N। डेल्टा N हमारे पास वो वाले मोल्स होंगे जो बाहर चले गए। ध्यान दे रहा, अगर आपको N1 का वैल्यू पता होगा और T1 का वैल्यू पता होगा और इसी तरीके से N2 का वैल्यू पता होगा, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2। और कभी आपको यह भी बोला जाता है कि कितने मोल्स वहां पर एक्सपेल हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड विल बी इक्वल टू N1 - N2। याद रख लेना, क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, याद है। अब ध्यान देना, इसके बेसिस पे हम बेटा क्वेश्चन देख लेंगे। यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अंटिल 3/5 ऑफ द एयर इन इट, अंटिल 3/5 ऑफ द एयर इन इट has been expelled. Find the temperature at which the vessel was heated. Find the temperature at which the vessel was heated. Down there. An open vessel at 27 degree Celsius is heated. एक वेसल हमारे पास है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन. इसको हमने हीट किया until 3/5 of the air in it has been expelled.
अंटिल 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड। यानी अगर हमारे पास है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n1, अब एक्सपेल कितना हुआ 3/5 ऑफ n1, क्योंकि वही हमारे पास बोल रहा है ना, अंटिल 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड। तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं, वो हमारे पास है 3/5 ऑफ n1। तो सिंपली यू कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड, नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड, तो आप सिंपली बोलोगे दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा 3/5 ऑफ n1। मगर ये नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड किसके बराबर होंगे, इट इज इक्वल टू n1 - n2, वो तो हमने ऑलरेडी बोला, तो उसे आपके n2 का वैल्यू मिलेगा। तो कैन यू राइट नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड दैट इज 3/5 ऑफ n1 इज इक्वल टू n1 - n2, n2 इस साइड आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू n1 - 3/5 ऑफ n1, दैट इज n2 कम्स आउट टू बी 5 - 5 - दैट इज 2/5 ऑफ n1। ये हमारे पास होंगे n2 का वैल्यू, तो n2 का वैल्यू आ जाएगा 2/5 ऑफ n1। अब मुझे एक चीज बोलिएगा, T1 का वैल्यू कितना है 300 केल्विन, एंड यू हैव टू फाइंड द टेंपरेचर एट विच द वेसल वाज हीटेड, आपको T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैन यू सिंपली राइट इट एज n1 * 300 इज इक्वल टू n2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, 2/5 ऑफ n1 * T2, n1 and n1 will get cancel out, 2 1 are 2 150 are, 5 0 0 5 5 way 25 5 1 way 5 6 7, 750 Kelvin will be the value of T2। यानी T2 का वैल्यू किसके बराबर होगा 750 Kelvin के बराबर। यानी हमने इस ओपन वेसल को हीट किया होगा अप टू 750 Kelvin, तभी वहां से अगर हम देखेंगे 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड, और पीछे कितना रह गया जो ना फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 2/5 ऑफ n1। कभी ये भी आपको पूछा जाता है कि फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, या कभी आपको ये पूछा जाता है व्हाट इज द फाइनल टेंपरेचर और द टेंपरेचर एट विच द वेसल वाज हीटेड। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, An open vessel is heated from 27 degree Celsius to 627 degree Celsius, यानी 300 Kelvin से लेकर 900 Kelvin तक हमने एक vessel को heat किया, यानी T1 is 27 degree Celsius, that is 300 Kelvin. एंड T2 हमारे पास कितना है 627 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 900 कैल्विन इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 620। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज एयर का एक्सपेल हुआ वहां पर। अब ध्यान देना, सपोज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास एक ओपन वेसल है जिसको हमने हीट किया 300 केल्विन से लेकर 900 केल्विन तक, सपोज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज n1, तो व्हाट इज द इनिशियल टेंपरेचर दैट इज 300 केल्विन इज इक्वल टू, लेट अस सपोज द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इज n2 एंड व्हाट इज द फाइनल टेंपरेचर 900 केल्विन, 0 0 विल गेट कैंसल आउट, तो 3 1 are 3 3 are, तो ये 3 यहां पर आ जाएगा, तो कैन यू राइट इट एज n2 का वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर, n1 / 3। तो जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू n1 / 3। अगर मैं आपको बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड दैट इज डेल्टा एन किसके बराबर आ जाएगा n1 - n2, तो दैट विल बी इक्वल टू n1 - n2, n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा n1 / 3, दैट इज 3 n1 - n1, दैट बिकम्स इक्वल टू 2/3 ऑफ n1। दिस इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, यानी चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ n1। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड जो बाहर आ गए। लेकिन आपको क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, कितनी परसेंटेज वहां पर बाहर आ गई, तो आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड। दिस विल बी सिंपली व्हाट टू कॉल एज अ परसेंटेज, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि जहां पर भी आपको इससे पहले परसेंटेज चेंज इन प्रेशर,
तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी वन मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी वन मल्टीप्लाई बाई 100। अब डेल्टा एन कितना देखे, 2/3 ऑफ एन1, तो यू कैन सिंपली सी 2/3 ऑफ एन1 डिवाइडेड बाई एन1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो एन1 एंड एन1 विल गेट कैंसिल आउट, इट बिकम्स इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3, दैट बिकम्स इक्वल टू 66.67% विल बी द परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, इतना परसेंटेज बाहर आ जाएगा। अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले हम देखेंगे इस पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है। पार्शियल प्रेशर लिख लेना पहले कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर इज सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ पर्टिकुलर गैस, प्रेशर exerted by a particular gas in a mixture, pressure exerted by a particular gas in a mixture, you call that as a partial pressure, usko hum naam dete hain partial pressure। yani agar hamare paas kahin pe mixture of gases hai, jaise air mein hamare paas n2 hamare paas hai, o2 hamare paas hai, co2 hamare paas hai, r1 hamare paas, ab n2 kitna pressure exert karega, that is what is called as partial pressure, O2 कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। यानी जहां पर भी आपके पास होंगे ना मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस में ए गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। सपोज ये हमारे पास एक गैसेस मिक्सचर है, इट इज मेड अप ऑफ सपोज टू गैसेस ए एंड बी। अब यहां पर कुछ ना कुछ तो होगा, ए के कुछ मोल्स होंगे, तो यू कैन सपोज से ए के है एन ए मोल्स, और बी के कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे, सपोज बी के हैं एन बी मोल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल कम्स आउट टू बी एन ए प्लस एन बी, विट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहां पर जो सपोज इस ये जो हमारे पास कंटेनर है इसमें गैस ए भी प्रेजेंट है और बी भी, इसका कुछ ना कुछ टोटल प्रेशर होगा, ए कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इसी तरीके से बी भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो ए प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड सपोज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यू कॉल दैट एज या इट इज पी ए, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी तरीके से हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यू कॉल दैट एज इट इज सिंपली व्हाट पी बी। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप बोलोगे एन ए डिवाइडेड बाई एन टी। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप बोलोगे एन एन बी डिवाइडेड बाई एन टी। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन देखा है कि हाउ टू वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, और इसमें जो ए और बी है ना, सपोज दे दोनों एक्सर्ट करते हैं, सपोज दे एक्सर्ट इज अ टोटल प्रेशर, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर दैट इज सिंपली पी टी। आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स, तो यही हमारे पास है डाल्टन्स लॉ, यू कॉल्ड दिस एज डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। यानी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और अगर इसमें सी कम और एक कंपोनेंट होता है ए बी सी, तो हम क्या बोलते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अगर यहां पर चार होते तो हम बोलेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी एंड सो ऑन। अब ध्यान दें, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कैलकुलेट करना है पी ए, पी ए का वैल्यू क्या होगा, देन यू कैन सिंपली से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू काई ए इंटू पी टोटल, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी is equal to chi b into p total, so partial pressure of a kiske barabar humne bola chi a into p total, isi tarike se partial pressure of b is equal to chi b into p total। dhyan dein
नोट करके लिखेगा पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपको पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना होगा इज इक्वल टू यानी पी ए बी डिवाइडेड बाई दिस पी ए डिवाइडेड बाई पी बी रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर दैट इज पी ए डिवाइडेड बाई पी बी दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा पीटी एंड पीटी विल गेट कैंसल आउट वो किसके बराबर आ जाएगा सिंपली दैट इज इक्वल टू काई ए डिवाइड बाई काई बी यानी रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन मगर काई ए किसके बराबर होगा ऑलरेडी हमने बोला है एन ए डिवाइड बाई एन टी काई बी किसके बराबर होगा एन बी डिवाइड बाई एन टी देन दिस एन टी एंड एन टी विल गेट कैंसल आउट दैट इज सिंपली इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन बी यानी रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन और वो बराबर होगा किसके बराबर रेशियो ऑफ मोल्स के बराबर यानी रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर आपको बोला जाएगा आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन और दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स यानी जो मोल्स का रेशियो होगा वही होगा मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो और वही होगा किसका रेशियो पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो नंबर सेकंड ध्यान देना अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं पी ए इस पी पी को यहां पर लाता हूं तो हमें क्या मिलेगा पी ए डिवाइड बाई पी टी जैसे हमने बोला था एन ए डिवाइड बाई एन टी एन ए डिवाइड बाई एन टी हमने बेटा ये बोला था ना एन ए डिवाइड बाई एन टी दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मैं यहां पर बोलूंगा एन बी डिवाइड बाई एन टी यू कॉल इट एज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैं बोलूंगा एन सी डिवाइड बाई एन टी तो आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इसी तरीके से पी ए डिवाइड बाई पी टी यू कॉल इट एज अ प्रेशर फ्रैक्शन प्रेशर फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू तो पी टी इस साइड आ जाएगा दैट इज इक्वल टू काई ए काई ए का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन यानी प्रेशर फ्रैक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट मोल फ्रैक्शन जो प्रेशर फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वही रैश वही वैल्यू होगा किसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यानी प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन या हम कभी बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर उसी को हम बोलते हैं प्रेशर फ्रैक्शन नंबर थर्ड पॉइंट डीएलपीपी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर is not applicable for mixture of reacting gases ये reacting gases पे हम apply नहीं कर सकते यानी Dalton's law of partial pressure को हम apply कर सकते हैं non reacting gases के लिए it is not applicable for reacting gases पे हम apply नहीं कर सकते Dalton's law of partial जैसे एग्जांपल हमारे पास है NH3 plus HCl इट इज अ मिक्सचर ऑफ द रिएक्टिंग गैस वी कैन नॉट अप्लाई डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर H2 plus Cl2 वी कैन नॉट अप्लाई डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हियर SO2 plus O2 वी कैन नॉट अप्लाई डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हियर तो जहां पर भी आपके पास होंगे ना रिएक्टिंग गैसेस उन पे हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है बेटा तो दिस वॉज ऑल अबाउट किसके रिलेटेड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देख लेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ध्यान देना ये सपोज हमारे पास एक कंटेनर है इसमें हमारे पास N2 प्रेजेंट है और N2 के 28 ग्राम्स प्रेजेंट है और O2 प्रेजेंट है O2 के 64 ग्राम्स प्रेजेंट है यानी हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें N2 और O2 प्रेजेंट है और यहां से मैं आपको बोलता हूं द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 380 What is the partial pressure of N2?
व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2? यू हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ध्यान देना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सिंपली हमारे पास एक गैसेस मिक्सचर है। अगर मैं आपको बोलूंगा N2, तो आप क्या बोलोगे? N2 के 28 ग्राम्स। यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 किसके बराबर आ जाएगा? 28/28 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट कम्स आउट टू बी 1 मोल। और इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 किसके बराबर आ जाएगा? 64/32, दैट बिकम्स इक्वल टू 2। देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। आपको क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2? N2 का पार्शियल प्रेशर बताइए। तो आप डाल्टन लॉ सिंपली पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करके बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू पूरी टोटल। ये हो गया ना। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2? N2 का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2? 1। What is the total number of moles? 3 multiplied by total pressure. Total pressure kitna hai? 3. 3 and 3 will get cancelled out, that becomes equal to 1. Partial pressure of N2 becomes equal to how much? 1. Ye hoga partial pressure N2 ka. Aur agar aap dekhoge total pressure kitna tha? 3 atm. 1 atm kon exert karega? 1 atm jo hamare paas hoga pressure, 1 atm. 1 atm exert karega N2. Phir mujhe boliyega, what is the partial pressure of O2? O2 will exert as a pressure of 2 atm. Theek hai? अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर टू, इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड CH4, यानी जितना मास आप हीलियम का लेते हो उतना ही मास लेना है किसका? CH4 का। एक्सर्ट इज अ टोटल प्रेशर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड CH4 एक्सर्ट इज अ टोटल प्रेशर ऑफ 25 atm। व्हाट इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4? ध्यान देना, आपके पास ये एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है? इस मिक्सचर में एक तो हीलियम प्रेजेंट है, दूसरा इसमें CH4 प्रेजेंट है, और दोनों टोटल में कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? दोनों एक्सर्ट से टोटल प्रेशर 25 atm, दोनों एक्सर्ट करते हैं 25 atm प्रेशर। मगर इक्वल मासेस होने का मतलब क्या है? इक्वल मासेस होने का मतलब है अगर हीलियम के हैं x ग्राम्स, तो CH4 के भी कितने ग्राम्स हैं? x ग्राम्स। दोनों के इक्वल मासेस हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो हीलियम के मोल्स कितने होंगे? तो आप क्या बोलोगे? x/4, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू x/4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू x/16, क्योंकि वही होगा ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू दैट इज x/4 प्लस x/16, दैट इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर इट बिकम्स इक्वल टू 5x/16, इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 5x/16, क्योंकि यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का 16 आना चाहिए, तो 4 यहां से भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 4x प्लस x, दैट मींस 5x/16। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कैलकुलेट कीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, तो आप क्या बोलोगे? वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 दैट इज इक्वल टू x/16 × p total क्या है? 25। 16 and 16 x will get cancel out. Partial pressure of CH4 comes out to be 1/5 × 25. 5 1 are 5 5 are. That becomes equal to 5 atm.
CH4 कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 5 atm. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1:4. यानी ए और बी का मॉलिक्यूलर वेट किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:4 रेशियो में प्रेजेंट है. यानी अगर हम ए का 1 लेंगे, बी का लेना है 4. अगर हम ए का 2 लेंगे, बी का लेना है 8. अगर हम ए का 3 लेंगे, बी का लेना है 12. यानी 1:8, 1:4 रेशियो हमेशा मेंटेन करना. Equal masses of A and B. Equal masses of A and B exerts a total pressure of 3 atm. यानी A और B का अगर हम equal mass लेंगे, that exerts a pressure of how many atm? P atm. What is that? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. ये हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है. इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी एक्सर्ट से टोटल प्रेशर ऑफ पी एटीएम. यानी अगर इसका मास है एक्स ग्राम्स, इसका भी मास कितना होना चाहिए, एक्स ग्राम्स, एंड इट विल एक्सर्ट ए टोटल प्रेशर ऑफ पी एटीएम. ये पी एटीएम प्रेशर एक्सर्ट करता है. अगर मैं आपको बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए की कितने मोल्स होंगे, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय 1. अगर मैं आपको बोल रहा हूं व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो आप बोलोगे सिंपली इट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. क्योंकि अगर आप इसका 1 लोगे मोलर मास, तब बी का मोलर मास कितना ले रहा है, 4. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, दैट इज एक्स प्लस एक्स बाई 4, दैट इज 4x प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 4. इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 4. आपको क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज पी. तो आप बोलोगे इट इज सिंपली द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल. पी ए इज इक्वल टू काई ए इनटू पी टोटल. तो काई ए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, दैट इज एक्स डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5x डिवाइड बाई 4 इंटू पी टोटल. तो आप सिंपली बोलोगे इट इज x बाई 1 इंटू 5x बाई 4 डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 5x इंटू पी. पी टोटल है ना, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज हाउ मेनी एटीएम, पी एटीएम. x एंड x विल गेट कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू सिंपली 4 बाई 5 1. दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज सिंपली इक्वल टू 4 बाई 5 ऑफ पी. ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन है. ये हमारे पास एक टब, हमारे पास इसमें हम वाटर रख देंगे, ये इसमें H2O है वाटर. और यहां से क्या हम कर देंगे, ध्यान देना, हम यहां से कोई ड्राई गैस छोड़ देते हैं, इसके थ्रू पास कर देते हैं कोई ड्राई गैस. ड्राई गैस जब पास हो जाएगा तो ऑलरेडी यहां से वाटर वेपर्स होंगे. अब जब ये ड्राई गैस ऊपर चला जाएगा, अब ये अपने साथ किन को ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को. अब यहां पर जो गैस प्रेजेंट होगा, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ मस्ट गैस, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ मस्ट गैस. मस्ट गैस का मतलब हुआ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स.
प्लस वाटर वेपर्स। ध्यान देना, हमने बोला कि यहां पर हम कोई भी ड्राई गैस छोड़ देते हैं यहां से, तो ड्राई गैस ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहां पर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तो वो ड्राई गैस अकेले नहीं जाएगा, वो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ, या हम सिंपली बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब जब यहां से गैस भी आ जाएगा, अब वो गैस जो यहां पर प्रेजेंट होगा दैट विल बी सिंपली मस्ट गैस, क्योंकि वो तो ड्राई गैस भी होगा और उसके साथ वाटर वेपर्स भी होंगे, और वी कॉल दैट गैस एज मस्ट गैस। ध्यान देना, अगर हम देखेंगे अब जार के अंदर कौन प्रेशर एग्जर्ट करता है, मस्ट गैस, और जार से बाहर किसका प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, अगर यहां से एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तब ये वाटर लेवल जो यहां पर होगी ना इनसाइड दिस वेसल इट विल इंक्रीज। अगर मॉइस्ट गैस का ही प्रेशर ज्यादा है तो अंदर लेवल जो होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर का उतना प्रेशर है जितना मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर लेवल सेम है इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी अगर आपको यह पूछा जाएगा कि वाटर लेवल कब होगी सेम इनसाइड एंड आउटसाइड, तो आप बोलोगे जब एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मॉइस्ट गैस, तब जो वाटर लेवल होगा वो इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा, सेम। यानी यू कैन सिंपली से प्रेशर ऑफ एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, और ये तब हमारे पास करेक्ट है जब हम बोलेंगे इफ द वाटर लेवल इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मगर मॉइस्ट गैस में जो होता है मॉइस्ट गैस एक्चुअली होता है, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये जो यहां पर प्रेशर होगा ना, ये जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, ये दो की वजह से असल में एग्जर्ट होता है, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स। तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर जो होगा दैट इज सिंपली प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स। यानी अगर आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर पता है, ड्राई गैस का प्रेशर पता है, यू कैन फाइंड आउट द प्रेशर ड्यू टू वाटर, या अगर आपको प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स पता है, यू कैन फाइंड द प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस, एंड दिस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स यू सिंपली कॉल इट एज एन एक्वस टेंशन। इसी को हम नाम देते हैं एक्वस टेंशन। प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स वी सिंपली कॉल इट एज एन एक्वस टेंशन। ध्यान देना, अगर ये एक मिक्सर हमारे पास है, इसमें हमारे पास सपोज इसमें CH4 प्रेजेंट है और CH4 के 3.2 ग्राम्स प्रेजेंट है और इसमें O2 प्रेजेंट है या CO2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, इसके है 4.4 ग्राम्स। सपोज द टोटल वेसल इज 9 क्यूबिक डेसीमीटर, टोटल वेसल हमारे पास कितना है 9 क्यूबिक डेसीमीटर, एंड सपोज द टेम्परेचर इज 300 केल्विन, कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, कैलकुलेट पी टोटल। अब टोटल प्रेशर मिक्सचर का कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान देना। तो अगर आपको यह पूछा जाएगा कि आप बोलोगे पहले हम देखेंगे CH4 के कितने, अगर CH4 का मास देखिए 3.2 ग्राम, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 वो किसके बराबर होगा, गिवन मास 3.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 16 दैट बिकम्स इक्वल टू 0.2 होंगे, किसके मोल्स, CH4 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, CO2 के मोल्स किसके बराबर होंगे, गिवन मास दैट इज 4.4 डिवाइडेड बाय 44 दैट बिकम्स इक्वल टू 0.1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3 होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी आप सिंपली बोलोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे दैट बिकम्स इक्वल टू 0.3। Then can you simply, आपको what you have to find? You have to find out the value of PT. तो आप simply बोलोगे ना PT into VT is equal to NTRT. यानी total pressure जो होगा, that is PT. Total pressure जो आपके पास, VT. What is the total volume? That is 9. Is equal to, what is the total number of moles? 0.3. Into what is the value of R? क्योंकि ये 9 cubic decimeter है, आप बोलोगे 9 liters. तो R का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर में ले लो तो 1/12 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 300 केल्विन, तो सिंपली पी विल बिकम इक्वल टू 0.3। तो यहां से अगर हम देख लेंगे तो 0.0 विल गेट कैंसिल आउट दैट बिकम्स इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 9 × 12 9 × 10 = 2526 दैट इज 5/6 atm, इट विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल प्रेशर।
तो अगर हम देखेंगे इसमें आपके पास मास देके था और वॉल्यूम ऑफ द वेसल देके था और साथ में टेम्परेचर देके था, आपको बोला जाता था व्हाट इज द टोटल प्रेशर। द टोटल प्रेशर जो हमारे पास सिंपली होगा दैट इज पीटीवीटी, दैट इज पीटी, दैट इज द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर, आप सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करोगे, पीटीवीटी इज इक्वल टू एनटीआरटी। एनटी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किसकी वजह से, CH4 और CO2 की वजह से। वीटी वहां से ही देखा था 9 क्यूबिक डेसीमीटर और 9 लीटर्स। तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, वो क्या है प्रेशर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।